Hello friends, this is Anand Mohan and you're watching my YouTube channel Kalam Academy. Friends, आज से मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री पर बेस्ड एक स्पेशल केमिस्ट्री सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। तो इस स्पेशल केमिस्ट्री सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री सिलेबस पर आधारित कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखने से सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, यानी कि उन्हें अपनी पढ़ाई को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर वो ये एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिसके आधार पर ये पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शंस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 चेंज इन स्टेट, नंबर 3 चेंज इन कलर, नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर एंड नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आज हम लोग इन सभी पांचों केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में से आज हम लोग देखेंगे नंबर 4 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर केमिकल रिएक्शंस को टोटल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नंबर 2 एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के होने के बाद कुछ हीट रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए हम लोगों को हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के एक्सोथर्मिक लिए आज हम लोग देखेंगे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल के लिए हमें चाहिए मैचस्टिक्स और हमें चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मैचस्टिक में आपको मालूम होगा कि जो केमिकल होता है मैच हेड पर, यहाँ पर केमिकल होता है सल्फर और इसके अलावा कुछ ग्लास के पाउडर और कुछ छोटी छोटी और भी चीजें इसमें मिली हुई होती है। तो जैसे ही हम लोग इस मैच हेड पर थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे तो ध्यान से देखिए कि क्या होता है। फ्रेंड्स माचिस को बिना माचिस की डिब्बी से रगड़े हुए ही माचिस की तीली में आग लग जाती है। एक बार फिर से इस रिएक्शन को मैं करके दिखाऊंगा। आग लग जानी है इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हो रही है हीट रिलीज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आपका भी कोई फ्रेंड क्लास 10th में पढ़ता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे केमिस्ट्री के स्पेशल सीरीज से रिलेटेड सारे वीडियोस। मैं आपसे मिलूंगा एक नए साइंस एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।